ओके स्टूडेंट्स, मैं इस रेडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टेंथ क्लास का भी कोर्स रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, टेंथ क्लास का भी कोर्स रिड्यूस हो चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है वो नाइन्थ क्लास के कोर्स के बारे में बता दिया, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंथ क्लास के कोर्स रिडक्शन के बारे में भी बताऊँगा। फेडरल बोर्ड ने क्लास नाइन्थ और टेंथ का कोर्स जो है वो रिड्यूस कर लिया और नए जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो पूरी की पूरी डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा वॉच कर लें, कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूं और बीच में कोई गुर की बातें भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कौन से अल्फाज का मतलब क्या है। अक्सर ये बीच में लिखा है ना 5-6, तो 5-6 का ये मतलब नहीं कि 5-7 कि मतलब 5 और 7 क्वेश्चन आएगा, नहीं, बल्कि उसका मतलब 5-7 तीनों क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह की बीच में भी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए जरूरी है। देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। थैंक यू सो मच। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन है 16 सितंबर 2020 का, कोर्स की रिडक्शन के बारे में है। क्योंकि नाइन्थ क्लास के बारे में तो मैंने सारा आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया, अब मैं सारे का सारा डिटेल सिर्फ टेंथ क्लास के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। सो टेंथ क्लास में मैं सबसे पहले आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, उर्दू और इस्लामियात बाद में कर लेंगे, ठीक है? ओके, तो मैथमेटिक्स है टेंथ क्लास का साइंस ग्रुप, चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन सामने मेंशन है। मैं सिर्फ चैप्टर 1 का डिटेल से बताता हूँ ताकि वो आप लोग को वो सारी खुफिया बातें भी बताऊं, और फिर चैप्टर 2, 3, 4 वो आपने सिर्फ देखना है, मैंने सिर्फ आपको जस्ट कैप्शन करना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3 ओनली करने हैं। ओके, 1.1 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3 करना है, क्वेश्चन 2 का 1, 4, 5 करना है, क्वेश्चन 3 का 1, 6, 8 करना है, 1.2 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 और 7 करना है, 1.3 का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और 14, 1.4 का क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 11 करना है। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन सामने नजर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जो एक्सरसाइज है उसी के सामने जो है वो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इजीली देख सके। सॉरी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सामने नजर आ रहे हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2, 7, 4.2 का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8, 4.3 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर 5, ये क्लास 10 की मैथ की बात हो रही है, क्लास 10 मैथमेटिक्स, चैप्टर 5 के क्वेश्चन सामने मेंशन है, चैप्टर 6, 7 के भी मेंशन है। अब थ्योरम्स की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8 का थ्योरम 1, 2 आ रहा है, चैप्टर 9 का सिर्फ थ्योरम 4 है, चैप्टर 10 का थ्योरम 3 है, चैप्टर 11 का थ्योरम 4, चैप्टर 12 का थ्योरम 1 और चैप्टर नंबर 13 का 13.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 4, 13.2 का क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 9। All classwork will be given for revision as homework. The MCQs portion of the annual paper will be taken from the MCQs exercise at the end of the chapters. So MCQs will be done in class by class teachers. इसका मतलब ये हुआ कि जो exercise में MCQs हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं, उसी से आप लोगों के पेपर में आएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स इस्लामियात की बात करते हैं, इस्लामियात लाजमी 10th क्लास, सूरह अहज़ाब आयात 1-34 है, सफ़ा नंबर भी लिखा हुआ है, अर्दस राबे अलिफ, डिटेल सामने नजर आ रहे हैं, अदरसुल राबे बे, अदरसुल राबे जीम, अदरसुल खामिस, ये तर्जुमा लिखा हुआ है कि आयात नंबर किस से कहाँ करना है, ठीक है, सूरह मुमतहना, अदरसुल साबे, ओके, सॉरी, अदरसुल सानी, हदीस में आपने 11-20 हदीस करने हैं, तशरी अमली जिंदगी से ताल्लुक 11-15, अलजुज़ुस सालिस मौजूआती मुतालिया, उसमें तहारत के अंदर आपने सवाल नंबर 1 करना है और सब्र शुक्र में सवाल नंबर 3 और 4 करने हैं सिर्फ,
और होमवर्क में सवाल नंबर 5। इसका मतलब है कि आपने ये तीनों सवाल करने हैं, क्लास वर्क को या होमवर्क को, क्योंकि आपके पेपर में आएंगे। ओके, अभी हम बात करें पाकिस्तान स्टडीज की, तो ये जस्ट मैं स्क्रीन पे लाऊंगा, आप लोगों ने स्क्रीन शॉट लेना है। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 के स्क्रीन शॉट ले लें, चैप्टर नंबर 9 का भी स्क्रीन शॉट ले लें। इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं वो दिया हुआ है, जो नहीं आ रहे हैं वो इधर मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो डिलीटेड है। फिजिक्स आ गया भाई, फिजिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 10 का फिजिक्स है। 10.1 मास अटैच्ड विद स्प्रिंग, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका मतलब है रिपल टैंक बीच में से निकाल लिया। वेव मोशन, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ओके एग्जांपल्स आपने करने 10.1 10.2 और रिव्यू एक्सरसाइज करने 10.1 10.6 10.10। प्रॉब्लम्स आपने करने 10.1 टू 10.5 और एमसीक्यूज 1 से लेकर 6 तक। चैप्टर नंबर 11 साउंड के बारे में है, टॉपिक सामने नजर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तमाम थ्योरीज 12.1 से लेकर 12.10 तक। अब देखो ना, 12.1 टू 12.10 का मतलब है कि 12.1 टू 12.2 12.3 12.4 मतलब 12.1 से लेकर 12.10 तक जितने टॉपिक्स है सारे शामिल हैं। एग्जांपल्स आपको 12.1 से लेकर 12.6 तक करने हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यू सिर्फ पहले 6 करने हैं, 1 2 3 4 5 6। रिव्यू क्वेश्चन भी आपके सामने नंबर्स नजर आ रहे हैं और प्रॉब्लम भी आपके सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके प्रॉब्लम कम कर दिए, इसके प्रॉब्लम थोड़े से मुश्किल भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर भी आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑल थ्योरी टॉपिक्स फ्रॉम 14.1 टू 14.11। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल 14.1 टू 14.8 और ये जो नजर आ रहा है ना, ये वही यूनिट 14 का ही हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 15 के टॉपिक्स आपको सामने नजर आ रहे हैं, यूनिट नंबर 16 के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट नंबर 16 के बाद 17 डिलीटेड है, डायरेक्ट यूनिट नंबर 18 आ गया। गुड, अच्छा हुआ बेटा। फिजिक्स का प्रैक्टिकल के बारे में एक पेज आपको सामने नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लेना। केमिस्ट्री सिर्फ टॉपिक को देख लीजिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज 1 से लेकर 10 तक, शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 5, लॉन्ग क्वेश्चन इतना। चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में है, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स और चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मैं ले आता हूँ स्क्रीन पे, आप लोग जरा काइंडली देख लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लें, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें, ये प्रैक्टिकल्स का है, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जी अभी ले लें। हाँ जी, दोबारा स्क्रीनशॉट। बायो के टॉपिक्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, हर चैप्टर में से बहुत से टॉपिक्स कम कर दिए, तो जो टॉपिक करने हैं उसके एक स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। ये भी आ गए भाई, ये भी आ गया, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है ये, ये भी आ गया, कंप्यूटर साइंस 10th क्लास जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जनरल साइंस तो खैर आप लोग का नहीं है, मेरे ज़्यादा स्टूडेंट साइंस के हैं, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने उर्दू छोड़ दिया, वो भी बता दूं। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये उर्दू का सिलेबस है 9th क्लास का। ये इंग्लिश का सिलेबस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 12, 6 7 और उसके बाद डायरेक्ट 12 है।
ग्रामर एंड कंपोजिशन, आई थिंक मैंने पहले भी दिखा दिया आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था फेडरल बोर्ड का नोटिफिकेशन, और इन तमाम आर्टिकल्स को आप लोग फेडरल बोर्ड के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। फेडरल बोर्ड का वेबसाइट जो है वो है www.fbise, वह वेबसाइट ओपन करते हैं तो सामने ही आज आ रहा है रिड्यूस सिलेबस फॉर एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2021, यहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, सो मदीज वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।